नमस्कार, स्वागत है आपका मगरा न्यूज पर। आज की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी रुकाम की खबरों की, साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन स्वागत करते हैं पहली बड़ी खबर से। तो 1 जनवरी से बदल जाएंगे कॉलिंग के नियम, जियो एयरटेल और वोडाफोन आइडिया यूजर्स पर पड़ेगा सीधा असर। ट्राई की तरफ से डेडलाइन दी गई थी कि स्पैम कॉल और फेक मैसेज को रोकने के लिए जियो एयरटेल वोडाफोन आइडिया को ट्राई ने जो आदेश दिया है कि नियम जो 1 नवंबर को लागू होने वाला था, लेकिन इसमें बदलाव किया जा रहा है। दरअसल ईटी की एक रिपोर्ट की माने तो जो है ट्राई की तरफ से अपनी डेडलाइन में बदलाव किया जा रहा है। ट्राई ने अपने हाल में जारी किए गए कंसल्टेशन पेपर पर बदलाव जो है वो यहाँ पर किया है। वह ट्राई चीफ ने कहा कि हमारी टीम पिछले यहाँ पर 2 महीनों से इस पर काम कर रही है, भारतीय नेटवर्क को सुरक्षित बनाने के लिए हम लगातार नए कदम उठा रहे हैं, लेकिन हमें लगता है कि इसको नेटवर्क को दुरुस्त करने के लिए हमें थोड़ा समय और ज़्यादा देना चाहिए। अगर ऐसा किया जाता है तो 31 दिसंबर तक की डेडलाइन सेट की जा सकती है, यानी नए नियम जो है 1 जनवरी से लागू किए जाएंगे। ऐसे में जो है अभी भी कुछ समय के लिए से आगे बढ़ाया जा सकता है। बता दें आपको कि कंसल्टेशन पेपर को जो है अगस्त के आखिर में जो है लागू किया गया था। चेयरमैन का कहना है कि अभी हम इस पर विचार कर रहे हैं, अभी 3 महीनों का समय और लग सकता है, हालांकि जो है हमारा उद्देश्य इसे जल्द से जल्द लागू कराने का है। ऐसे में जो है हम जनवरी के महीने में एक नया कंसल्टेशन पेपर लेकर आएंगे। वह कंसल्टेशन पेपर जो है 50 SMS की बात इसमें कही गई है। ये टेलीकॉम ऑपरेटर्स की तरफ से जो है किए जाते हैं, इसमें कई अन्य चीज़ें भी मौजूद रहती है। बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अगली बड़ी खबर देखिए, 28 लाख दीयों से जगमगा उठा है अयोध्या, नया रिकॉर्ड बना। सीएम योगी ने राम रथ खींचा, भगवान का राज तिलक किया। दरअसल रामनगरी अयोध्या में जो है दिवाली के एक दिन पहले दियों से जगमग उठी है अयोध्या। सरयू नदी के 55 घाटों पर 28 लाख दिए जलाए गए, इसके साथ ही नया रिकॉर्ड भी बन गया है। वही गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो है टीम पर रिकॉर्ड जो है टीम ने भी जो है इसमें घोषणा की है। पिछले साल 22 लाख दिए जलाए गए थे। सीएम ने राम मंदिर में पहला दीप जलाकर जो है दीपोत्सव का प्रारंभ किया। भाई 1600 अर्चकों ने जो है सरयू की आरती भी यहाँ पर की। इससे पहले भगवान राम सीता और लक्ष्मण के साथ पुष्प विमान से जो है वो पहुँचे और योगी ने उनका स्वागत किया। भाई भगवान रथ पर सवार हुए और योगी ने जो है राम रथ खींचा। प्रभु राम को जो है राम कथा का पार्क भी यहाँ पर राम कथा पार्क भी लाया गया, जहाँ पर योगी ने राम की आरती उतारी और राज तिलक किया। भगवान राम के स्वागत में जगह जगह पर कलाकारों ने नृत्य यहाँ पर किया, नृत्य जो है यहाँ पर करते हुए नजर आए। वह रामायण के प्रसंगों पर आधारित झांकियां सड़कों पर निकाली गई। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहला दीपोत्सव है जिसमें करीब 3 लाख लोग शामिल हुए। इनमें 2 लाख लोग पहली बार जो है अयोध्या में जो है वो आए हैं। तो अयोध्या की जो ये यहाँ पर प्रोग्राम जो है इस बार बहुत भयंकर रहा है, बहुत ही खतरनाक यहाँ पर रहा है। बाद अब कहते हैं अगली बड़ी खबर की। तो 16 पहुंचा है 89,000 पार, एक दिन पहले 836 रुपए बढ़ा। धनतेरस पर जो है ऑल टाइम हाई रेट बनाने के बाद जो है छोटी दिवाली पर गोल्ड ने जो है नया रिकॉर्ड बनाया। कल जो है 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत जो है 996 रुपए बढ़कर ये लगभग 79,781 रुपए पर पहुंच गया। हालांकि कारोबार बंद होने तक ये जो है 836 रुपए तेजी के साथ 79,581 रुपए पर आ गई है। एक दिन पहले सोने की कीमत जो है 73,745 थी। वह चांदी की कीमत में जो है 467 रुपए की तेजी आई है, 98,340 के आसपास ये चली गई है। कारोबार बंद होने तक ये जो 167 रुपए की तेजी के साथ 98,040 रुपए पर आ गई। इससे पहले जो है चांदी 57,873, इस महीने 3 अक्टूबर को जो है चांदी 99,151 रुपए की ऑल हाई रेट जो है इसने बना दिया था। वह भी आपको 24 कैरेट सोना 22 कैरेट सोने की कीमत यहाँ पर बताते हैं, 18 कैरेट की भी बताते हैं। 24 कैरेट सोना जो है आपको मिलेगा 79,581 रुपये और 22 कैरेट सोना 72,896 और कैरेट 18 गोल्ड जो है वो 59,686 हो गया है। ये हम इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की ओर से जो है सोर्स से जो है हम आपको बता रहे हैं। वही इस साल जो 1 जनवरी को सोना जो है 63,000 था, अब ये जो 79,000 आ चुका है। वही चांदी कीमत में भी बढ़ोतरी जो है वो देखने को मिली, 73 से शायद 98 पर पहुंच गई है, यानी 98,000 के आसपास जो है चांदी का भाव जो है फिलहाल चल रहा है। वही वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि खबरें जो है आपको रोजाना मिलती रहें।